कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हो जिसे घर की लक्ष्मी मान रहे हो वो घूंघट के नीचे चुपके चुपके जुमा केसरी का स्वाद ले रही है। जी हाँ, मामला कुछ ऐसा ही है। तो हुआ ये कि आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में घरेलू विवाद का मामला सामने आया, जहाँ पर पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि पति शहर के बाहर दूसरे राज्य में काम करने जाता है, जहाँ पर उसके दूसरे महिलाओं से संबंध है। और पत्नी ने पति के फोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और सुनी हैं। इतना सुनने के बाद परामर्श देने वाला समझाना शुरू कर ही रहा था कि तभी पति ने कहा कि अरे साहब, मेरी भी तो सुन लो पहले। मैं किसी औरत या लड़की से बात करता हूँ या नहीं, मसला ये है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि साहब, मेरी बीवी को गुटखा खाने की आदत है और पूरे मोहल्ले में इस बात का अब डंका बज चुका है। अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि पति ने पत्नी को गुटखा ना खाने के लिए कई बार मना किया, लेकिन मना करने के बाद भी पत्नी ने गुटखा खाना बंद नहीं किया। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सुबह उठते ही पहले गुटखा खाती है और जुबां केसरी करते हुए फिर किसी काम को हाथ लगाती है। अब घूंघट में ढकी बहू को लोग संस्कारी समझ रहे थे, लेकिन घूंघट के अंदर पत्नी पुड़िया फाड़कर गाल के नीचे दबाए रहती। राज तब खुला जब लोगों ने घर में गुटके की पीक देखी। अब पीक पर पीक देखने के बाद घर वालों ने बहू को समझाया, लेकिन बहू ने एक नहीं मानी। परामर्श केंद्र में बहुत अजीब तरह के मामले हर बार आते हैं। हम लोग इतने सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग हर बार शॉक होते हैं कि हर बार नए तरह के केस आते हैं। इस बार एक परिवार इस बात पर बिगड़ गया कि लड़की गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। लड़के का था कि गुटखा छोड़ दीजिए, पर वो लड़की किसी भी कीमत पर गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। वो मसाला खाती है, हमारे पास भी आती तो मुँह उसका भरा ही रहता है। अब उसका परिवार बिगड़ गया, पति तलाक देने के लिए तैयार है, ले जाना नहीं चाहता, पर वो गुटखा नहीं छोड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ पत्नी का आरोप है कि उसका पति गुजरात में काम करता है, उसके गुजरात में लड़कियों से अवैध संबंध है, पति के मोबाइल में लड़कियों के नंबर देखे हैं, बात करते भी सुना है। विवाहिता का आरोप है कि पड़ोसी की बहू के लड़का होने पर ससुराली जन उसके साथ मारपीट करते थे, तरह तरह के आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। फिलहाल काउंसलर के समझाने के बाद भी कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकला। इसके बाद अगली तारीख अब दे दी गई है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।